press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर एनालिस्ट डॉक्टर कमर चीमा को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय मेजर गौरव आर्या जी, जो कि जबरदस्त बात करेंगे भारत के फ्यूचर के ऊपर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कंवर चीमा। मेरे साथ मौजूद है मेजर गौरव आर्या। लेकिन इफ आई आस्क यू के हाउ डू यू सी 2020 और हाउ वाज 2020, तो व्हाट वुड यू से अबाउट दिस मेजर साहब? सब कोरोना की बहुत बुरी मार है पूरी दुनिया को, तो हमें भी लगी है मार। तो 2020 हैज बीन बैड फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। इट हैज बीन बैड फॉर द कॉमन मैन, आम आदमी के लिए, चाहे इंडिया में ले लें चीमा साहब, पाकिस्तान में ले लें, कहीं भी ले लें। तो अच्छा तो किसी के लिए भी नहीं रहा 2020, अगर मैं ये बोलूँ आपको। हमारे लिए मिलिटरीली थोड़ा सा अच्छा रहा, इसलिए अच्छा रहा कि जो चाइना ने ईस्ट लद्दाख में करा, आई थिंक वो हो गया एक बार, तो अच्छा हुआ उससे। क्योंकि हर समय ये होता था, कभी हम चाइना के अंदर घुस जाते थे, कभी चाइना हमारे यहाँ, वो पेट्रोलिंग चलती थी। बिकॉज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीमा साहब तकरीबन 3500 किलोमीटर की है, गिव और टेक अ फ्यू, 3500 किलोमीटर की है मोटा मोटा, बट इट इज नेवर बीन फुली डिमार्केटेड। तो हर समय ये प्रॉब्लम रहती थी कि ये चाइनीज टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी, फिर वो आते थे, झंडा दिखाते थे, गोलियां वोलियां तो चली नहीं थी। अच्छा, गोलियां आज तक नहीं चली, इतने बंदे चले गए लेकिन गोलियां नहीं चली अभी तक, है ना? मैं एक सवाल डाल दूं और ही, लेकिन मैं सब आप नहीं समझते कि हम एक बात करते थे जी कि मोदी जी की और शी जिनपिंग की 18 मुलाकातें हुई, ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, इकोनॉमिकली चीजें थी, आपने उन पे एप्स क्लोज कर बैन कर दी, उन्होंने आपको टफ टाइम देना शुरू कर दिया, आपका जो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन बढ़ गया। अगर देखा जाए गो के डायरेक्ट कोई फाइट नहीं है, लेकिन जो एक कॉम्पिटिशन था रीजन में वो बढ़ गया। इजंट इट अ चैलेंजिंग फॉर इंडिया? Yes, and it is certainly challenging and it's a good challenge. देखिए, जब आप लोहे को आग में डालेंगे तभी तो स्टील बनेगा वो। तो वही मैंने पहले भी यही बात कही थी चीमा साहब कि अच्छा हुआ जो हो गया, आई वेलकम इट। मैं जानता हूँ इससे परेशानी है लोगों को, लेकिन आई वेलकम इट, पर्सनली आई वेलकम इट। क्योंकि अब देखिए क्या हुआ है ना, कि हमने तो शी जिनपिंग को वेलकम करा, वो मोदी जी के साथ झूले पर भी बैठे। अब काफी लोग इंडिया में भी कहते हैं, खासतौर से ऑपोजिशन पार्टीज ना, कि ये कहते हैं कि साहब ये बड़ा आपने साहब झूले पे बैठाया, देखो ये अरे मोदी जी ने शादी थोड़ना कर ली थी शी जिनपिंग से, किसको 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 पता था कि ये शी जिनपिंग। अब अगर मैं ही आपको, आपकी और मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है चीमा साहब, और मैं आपके पीठ पीछे जाके कोई साजिश कर दूं, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ना, वो तो गलती तो मेरी है ना, जिम्मेदारी तो मेरी, आपकी कोई गलती है या आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है? पता नहीं है। तो ये चीज है कि हमने बोला था कि ट्रेड चलेगी और म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड, हमारा ये था बैलेंस ऑफ ट्रेड जो थी वो, दैट वाज ऑलवेज इन फेवर ऑफ चाइना, बिकॉज चाइना हैज अ लार्जर मैन्युफैक्चरिंग बेस देन इंडिया, वो तो है ही चाइना का। लेकिन चीमा साहब फिर वो बात हो गई कि साहब ठीक है, चाइना को भी लेकर चलना है। हमने अफगानियों से जो हमने पार्लियामेंट बनाई अफगानिस्तान में, हमने सड़कें बनाई, डैम बनाए, लाइब्रेरी बनाई, यूनिवर्सिटी पे काम चल रहा है, 10 चीजें कर, हमने तो कभी ये नहीं बोला कि आप ना हमें कि ये तुम पैसा नहीं दे पाए ना, अब ठीक है ये काबुल का ये हिस्सा हमारा 99 साल के लिए। एक बात है इसी में, आपको और आपकी इन्वेस्टमेंट और चाइनीज इन्वेस्टमेंट में फर्क है। आपकी इन्वेस्टमेंट है कि फॉर द सेक ऑफ गुड, फॉर द सेक ऑफ सॉफ्ट इमेज। उनकी इन्वेस्टमेंट है कि अगर उन्होंने कहीं पे पैसा लगाया है, और देखिए ये तो बैंक भी ऐसे करता है कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो, सपोर्ट लेते हो, अगर आप वो पे नहीं कर पाते तो वो बैंक कहता है ये घर मेरा। तो चाइनीज भी ऐसे कहते हैं, अगर किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ है और वो नहीं पे कर पाया तो उस चीज को ले लेना, तो दैट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। वो मुल्क के यहाँ आके वो आर्बिट्रेशन में भी तो नहीं जा सकता किसी ग्लोबल कोर्ट में जी के ये हमारा कुछ जबरदस्ती थोड़ा लिया होगा। यकीनन आपकी और उनकी इन्वेस्टमेंट में आपको फर्क नहीं नजर आता। इंडिया के इंटेंशंस कभी ये नहीं रहे कि हमने आपके मुल्क में ना दो पैसे लगाए तो हमें चाची, अगर आप चार नहीं दे पाए तो हम आपका घर ले लेंगे। हमारे पास अपना घर है, हम अपने घर से खुश हैं, संतुष्ट हैं, हमें आपका घर चाहिए नहीं, पहली चीज, लेट्स बी वेरी क्लियर, हमें चाहिए नहीं वो। हमें श्रीलंका में एक इंच जमीन नहीं चाहिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट देंगे अपने, वी आर मोर इन टू इन्फ्लुएंस ऑपरेशन।
हाउ कैन यू इन्फ्लुएंस द पीपल, वी आर नॉट इनटू कि ये जमीन ले लो. ठीक है, चाइना का एक अपनी पॉलिसी है, चाइना को अपनी पॉलिसी मुबारक, हमारी एक अपनी पॉलिसी है, वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट फ्रॉम डे वन. हमें ये काम करना ही नहीं है, हमें किसी के सामने प्रेडेटरी नहीं दिखना. लेकिन इसके साथ ये भी बताएं ना, आप जमातुल अहरार और टीटीपी को जो आप सपोर्ट करते हैं और उनको वहां पे क्लब करते हैं, आप अपनी सॉफ्ट साइड बताते हैं, हार्ड साइड मेजर साहब नहीं बताते आप. तो ये जिससे पाकिस्तानी कंसर्न है, जिससे हमने लोगों ने बात की कि आपके जो एनएसए हैं बड़े काबिल हैं, सारी बात है भारत के लिए, लेकिन वो सॉफ्ट साइड के साथ आप थोड़ी हार्ड साइड भी बताएं ना जनाब, ऐसे तो ना करें आप. जी जी, मैं आपको बताता हूँ चीमा साहब, ये जो बात है ना टीटीपी और जमातुल अहरार की, ये पाकिस्तान काफी टाइम से ना निकाल रहा है कि ये इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है. और मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं पाकिस्तानी डिप्लोमेट से भी बात हुई है, सबसे बात होती है जो फॉर्मर डिप्लोमेट से आपके. अगर आपको लगता है कि इंडिया मुलविस है तो यूनाइटेड नेशंस में प्रॉपर जाके, मैं तो बार बार कह चुका हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ, मैं अगर भगवान ना करे इंडिया टेररिज्म फैला भी रहा हूँ. चले चले. अच्छा भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आते हैं, इस पॉइंट से हम आगे निकल जाते हैं. बट इंडिया एज ए स्टेट आप कैसे देखेंगे कि इंडिया 2021 में कैसा होना चाहिए? डू यू थिंक कि मोदी साहब मुल्क को राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? देखिए साहब, मुझे तो लगता है बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में मुल्क जा रहा है, एंड और भी अच्छे डायरेक्शन में जाएगा 2021 में. देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी ऑडियंस जो सुन रही है, व्हेन मोदी डज समथिंग, आपको ये एक माइंडसेट समझना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जो भी बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, दे हैव 303 सीट्स इन पार्लियामेंट, राइट? वो वही कर रहे हैं जिनके लिए लोगों ने उनको वोट दिया था. मोदी जी अपने मन से कुछ नहीं कर रहे. अगर आप ये बोलें कि साहब मोदी जी अपने मन से, ही इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग दैट, ही इज डूइंग नथिंग. ही इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट ही हैज बीन सेंट टू द पार्लियामेंट टू डू. आज की तारीख में भी एक छोटा इलेक्शन भी हो, ठीक है, वहां पे भी मोदी के नाम पे वोट मिलता है. क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं तुम जाके ये करो, हमने तुम्हें भारत का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया है. मोदी जी फिर वही जाके करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया है. जैसे आपके यहां इमरान खान साहब है, राइट? इमरान खान साहब को किस लिए भेजा था? कि आप महंगाई कम करेंगे, करप्शन वालों को जेल में डालेंगे, आप एहतसाब करेंगे, राइट? तो उनको करना चाहिए क्योंकि उसी के लिए तो वो पीएम बने ना. डज इंडिया सी दिस के भाई अगर आप वहां पे इंडो पैसिफिक में एक अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, तो जो पाकिस्तान यहाँ पे अमन एक्सरसाइजेस कर रहा है और इतने बड़े ममालिक में लोगों को लेके आ रहा है, सो हाउ डज इंडिया सी दीज एक्सरसाइजेस के इसका वो इसका समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का एक जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस है वो उसको कैसे खित्ते में देखता है? जी मेरे साहब. नहीं चीमा साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मालाबार एक्सरसाइजेस है ना, ये जो क्वाड है, बेसिकली साफ साफ बात करनी चाहिए, दैट इज टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस. क्वाड की नेवी जो है वो चाइना से करीब 3 गुना बढ़ी है, 4 गुना बढ़ी है, ठीक है. तो क्वाड इज एट अ डिफरेंट लेवल. जो आपका एंटी पायरेसी का ऑपरेशन हो रहा है तो ये तो ठीक है, इसमें तो सबको ज्वाइन करना भी चाहिए और एंटी पायरेसी होनी भी चाहिए, क्योंकि पायरेट्स, खासतौर से सोमालियन पायरेट्स, दे आर दिस थिंग, वो तो थ्रेट है ही सबके लिए. तो अच्छी बात है, आई वेलकम इट, करना चाहिए सबको. और क्योंकि जब ट्रेड चलेगी तभी जाके दुनिया में स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी. एंड पायरेसी इज, यू नो, इससे इंश्योरेंस जो प्रीमियम्स होते हैं शिपिंग के, दे आर ऑल्सो इम्पैक्टेड बिकॉज यू नो बिकॉज ऑफ द सोमालियन पायरेट्स. अब काफ़ी हद तक इसमें इंडियन नेवी भी लगी हुई है, और तो ये सब तो होना चाहिए इसमें, इट्स गुड. एंड रशियंस विल गो एवरीवेयर. रशियंस तो जाते हैं एक्सरसाइज के लिए, इंडिया में तो हर साल आते हैं, उनके ऑफिसर्स यहाँ पे ट्रेन होते हैं, उनके सीनियर कमांड के लिए, हायर कमांड के लिए यहाँ पे ऑफिसर्स आते हैं. सो दे देखिए कंप्रेशन बिल्कुल सही. दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह मेजर गौरव आर्या जी के जवाब और उनके पलटवार आपको काफी पसंद आए होंगे, जहां पे आपने देखा डॉक्टर कमर चीमा के सवालों का मेजर गौरव आर्या जी ने बड़ी बेबाक तरीके से और बुलंद आवाज में जवाब दिया और खासकर भारत की नीतियों के बारे में और भारत के भविष्य के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया. तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा. तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं. और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और ऐसी मजेदार वीडियोस लाते रहें. तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और नॉलेजेबल वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिए. जय हिंद, जय भारत.